कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी के प्रचार का आज आखिरी दिन, बेंगलुरु में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, हजारों लोग जुटे, चुनावी सभा को भी किया संबोधित। कर्नाटक में मेगा रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैली, कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम बोले, कांग्रेस सिर्फ जातिवाद और गाली की राजनीति करती है, कांग्रेस घोटालों और आतंकवाद के सामने घुटने टेकने वाली पार्टी। कर्नाटक के चिकोड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, बोले ना कांग्रेस जीतेगी और ना लिंगायत का रिजर्वेशन कब होगा। कर्नाटक के उडुपी में सीएम यूपी योगी का रोड शो, बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे पर कांग्रेस को घेरा, कहा बैन की बात करना हिंदू आस्था से खिलवाड़। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली के बाद टीपू सुल्तान की एंट्री, असम सीएम हेमंत बसवा ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को बताया टीपू सुल्तान के वंशज। कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर असम के सीएम हेमंता का बयान, बोले मुस्लिम बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, बोले वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है कांग्रेस। 2019 के बाद सोनिया गांधी ने पहली चुनावी रैली की, हुबली में बीजेपी पर लगाए देश में नफरत फैलाने का आरोप। कर्नाटक के बेलगावी में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले पीएम आतंकवाद की बात करते हैं लेकिन मैंने आतंकवाद को भुगता है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक कांग्रेस को जारी किया नोटिस, बीजेपी के खिलाफ रेड कार्ड विज्ञापनों को लेकर मांगा जवाब। कर्नाटक में पीएम के रोड शो पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का बयान, कहा पीएम जितना भी सड़क गलियों में घूम ले कोई असर नहीं होगा, कर्नाटक में कांग्रेस की आंधी चल रही है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की, कहा धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार कर रहे पीएम, चुनाव आयोग संज्ञान ले। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार, 9 मई को नवीन पटनायक से कर सकते हैं मुलाकात। मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत, धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। मणिपुर के चुराचंदपुर में उपद्रवियों ने किया सेना पर पथराव, सेना ने की फायरिंग, 2 उपद्रवी घायल। चुराचंदपुर के कुछ इलाकों में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में थी। मणिपुर हिंसा पर सीएम बीरेंद्र सिंह ने सर्वदलीय बैठक की, हर विधानसभा क्षेत्र में शांति समिति बनाने का फैसला। मणिपुर में हिंसा के बाद आज होने वाली नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा स्थगित, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को किसानों ने दिया समर्थन, पंजाब हरियाणा दिल्ली और पश्चिमी यूपी के किसान आज जंतर मंतर पहुंचेंगे। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने फेसबुक लाइव पर जारी किया वीडियो, कहा मेरी लड़ाई जूनियर बच्चों के लिए है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के खिलाफ सेना को ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी, 3 मई से चल रहा है सर्च ऑपरेशन। यूपी के चंदौली में पुलिस अधिकारी ने शख्स को मारा थप्पड़, सामने आया वीडियो, एसपी ने दिए जांच के आदेश। Z News.